तो यहाँ पे सारा सेल्फ वॉश सिस्टम लगा हुआ है। तो मैं कार लेकर आया था, काफ़ी दिनों से इसको मैंने वॉश वगैरह नहीं किया हुआ था, तो इसकी हालत आप देख सकते हैं बहुत ही गंदी हुई हुई है। तो मैं आपको बाहर से भी दिखा दूँ गाड़ी की हालत और अंदर से भी दिखा दूँ। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था काफ़ी दिनों से, कि गाड़ी बिल्कुल गंदी हुई हुई है, देख सकते हैं कितना डस्ट पड़ा हुआ है अंदर। तो मैंने कवर वगैरह तो किया हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज इसकी सही से एक वॉश करा लूँ। तो काफ़ी टाइम हुआ था, मैंने बिल्कुल भी इसकी सफाई वगैरह का ख्याल नहीं किया हुआ। तो वैसे तो कभी कभार मैं ऑटोमेटिक सिस्टम से कराता हूँ, जिसमें आपको मतलब ख़ुद से नहीं धोना पड़ता। तो वॉलेट मैंने डैशबोर्ड में रख दिया था, तो सबसे पहले तो वॉलेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉइन्स लेने होते हैं। यहाँ पर हर वॉश सेंटर के अपने कॉइन्स होते हैं, जिनको आप इंसर्ट करेंगे तो आप वैक्यूम यूज़ कर सकते हो, वॉश सिस्टम यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं और आप कैश भी यूज़ कर सकते हैं। तो 5 to 6 डॉलर्स लग जाते हैं आपके अगर आप सेल्फ वॉश कर रहे हो तो। अदरवाइज़ अगर आप ऑटोमेटिक सिस्टम, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो अगर आप ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू करवाते हो तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो पहले तो मैं यहाँ से लूँगा जी कॉइन्स। मैं आपको दिखा दूँ कि आप यहाँ पर डॉलर इंसर्ट करोगे और यहाँ पर वॉश कॉइन्स आपके, ये निकल आएंगे। 1 डॉलर के 1 कॉइन होता है, तो ये आपको इंसर्ट करना होता है। कॉइन्स तो मैंने ले लिए, तो सबसे पहले जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो मैं ये वैक्यूम यूज़ करने जा रहा हूँ। तो वैक्यूम को आप किस तरह यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप कॉइन्स इंसर्ट करेंगे और ये तकरीबन 2 मिनट के लिए वैक्यूम आपका चलेगा। 2 मिनट में तकरीबन आप सफाई कर ही लेते हो नॉर्मल। तो गाइस पहले 1 बाय 1 सारे मैट निकाल लूँगा मैं, ये देख सकते हैं। तो ये मैंने मैट्स निकाल लिए बाहर, ताकि जो मैट्स के ऊपर गंदगी है वो नीचे गिर जाए। और उसके बाद अगर अब मैं वैक्यूम ऑन करता हूँ इसमें, तो ये प्रॉपर साफ़ हो जाए। तो फ्रेंड का ये बहुत ही गंदा हुआ है, आप देख सकते हैं कितना गंद नीचे पड़ा हुआ है। ये वैक्यूम करूँगा तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, और नीचे भी काफ़ी गंद पड़ा हुआ है। तो इसको मैं इधर रख देता हूँ फॉर टाइम भी, तो जब इसको वैक्यूम कर लूँगा तो उसके बाद प्रॉपर इसको अंदर। गाड़ी की बॉनेट भी खोल ली है, वो इस वजह से यहाँ पे ऑटम सीज़न में बहुत सारा जो है पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, तो मैं उसको भी वैक्यूम कर लूँगा और उसको भी साफ़ कर लूँ, इस वजह से मैंने ये खोला स्पेशली। गाइस कार मैंने प्रॉपर वॉश कर ली है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अब नीट एंड क्लीन लग रही है। और ये आप देखें लाइट्स किस तरह इसकी चमक रही है। अभी मैंने इसको प्रॉपर
किया, क्लीन नहीं किया। अभी पानी है तो जैसे ही पानी सूखता है तो उसके ऊपर मैं टाके भी मार दूँगा, तो कैसे चमक रही है देखें। टायर वगैरह इसके फुल लाइटें, तो आप देख सकते हैं पहले गाड़ी में किस हालत में ले आया था और अब ये किस हालत में वापस जा रही है। तो गाइस गाड़ी वॉश होकर आ चुकी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये आप देख सकते हैं पहले किस तरह गई थी और अब किस तरह बिल्कुल साफ़ हो गई है। पहले कितना आप देख सकते थे गंद वगैरह इस पर पड़ा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा इसकी बहुत बुरी हालत हुई हुई थी। तो अब वॉश करने के बाद बिल्कुल क्लीन हो चुकी है कार मेरी। तो मैं आपको पूरा एक पीछे से भी राउंड पूरा दिखा दूं कि बहुत ही अच्छी।